Hello friends, welcome to your eyes shorthand classes. आज आपको हम chapter 14 का tick and dot h के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं. जो कुछ condition आपने पहले ही पढ़ चुके हैं और आज आपको हम जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है टिक डॉट टिक एंड डॉट एच सिंगल एच जब भी सिंगल एच आएगा तो हमें डाउन वर्ड एच लिखना है. इसके साथ के और जी भी आएगा तब भी हमारा डाउन एच मीन्स कि ऐसे आपको लिखना है, ऐसे एच बनाना है. ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है. तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल है आपको हम बता देते हैं. जो पॉइंट यहाँ पे जो लिखा गया है, जैसे लिखना है ही, तो ये ही ऐसे बनाएंगे डाउन वाले एच. हेक लिखेंगे तब भी हमारा डाउन एच ऐसे हेक बनेगा. हेग लिखेंगे तो हेग ऐसे लिखेंगे. तो ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो एच का टू फॉर्म्स में पढ़ाया है हमने. अब इसमें तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना है पूरी वीडियो में शुरू से ले कर अंत तक. कि ए है जो द अपवर्ड फॉर्म इज यूज फॉर हाफ लेंथ एच स्टैंडिंग अलोन. एच अगर सिंगल आता है और उसके साथ अगर टी डी का साउंड आता है तो आपको एच अपवर्ड में बनाना है, वो भी हाफ लेंथ में. जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे हेट लिखा हुआ है, टी का साउंड है तो आपको अपवर्ड बनाना है ऐसे हेट. हॉट ऐसे हाफ लेंथ में बनाना है हैट. हीट. तो अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हाफ लेंथ होता है थ्रू दी लाइन नहीं लिखते हैं, इसको हम ऑन दी लाइन लिखते हैं. क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ लेंथ में बना हुआ है. हाइट, हाइट भी आपको ये ध्यान देना है एबव द लाइन होगा और आई का यहाँ पे डिप्थॉन्स लग जाएंगे. तो ये पहला पॉइंट था. जनरली हम हाफ लेंथ लिखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल टिक रिटेन एज सोन रिप्रेजेंट्स एच बिफोर एम एल एंड डाउनवर्ड आर. दूसरा जो इसमें देख सकते हैं बी वाले जो पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि एल एम और डाउनवर्ड आर से पहले अगर एच आता है तो आपको टिक एच बनाना है. जो स्मॉल लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा सा एच ऐसे बनेगा. जैसे ये होम है तो ऐसे आपको होम लिखना है छोटा सा. अब आपको वोवेल्स अगर लगाना है, क्योंकि एच के बाद है तो यहाँ लगेगा होम. नेक्स्ट वर्ड है होम, ओ का साउंड है तो ये भी एच ऐसे बनेगा और यहाँ पे इसका वोवेल्स लगेगा. हॉल तो ये एच है, एल बनाना है, हॉल हो गया. हेल्थ, अब हेल्थ में भी देख सकते हैं कि इथ का साउंड है तो इथ भी बनाना है. तो एच हमारा ऐसे है और एल है, इथ है, हेल्थ हो गया. हेलो, हेलो ऐसा है तो आपको क्या करना है, स्मॉल टिक एच ऐसे बनाना और यहाँ पे हेलो ओ का साउंड लगा देना है, ऐड करना है. नेक्स्ट जो हमारा है हेल्प, तो हेल्प वर्ड में भी आपको छोटा सा एच और एल और पी बनाना, हेल्प हो गया. एट और बी पॉइंट में और भी हैं वर्ड, जैसे आप इनके
पॉइंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है एच, इन द मिडिल, जो इसको हम बोलते हैं डॉट एच। डॉट एच तब लगाएंगे जब हमारा किसी भी वर्ड के मिडिल में आएगा, बीच में आएगा, वो भी अलोंग वोवेल साउंड, यानी जहाँ पे वोवेल्स लगेंगे उसी के जस्ट ऊपर ही डॉट एच लाइट में लगाएंगे। कुछ एग्जांपल है, जैसा कि यहाँ पे जैसा बताया गया है कि एच इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट प्लेस्ड अलोंग साइड द वोवेल साउंड इन वर्ड सच एज, मीन्स कि कोई भी वर्ड आता है, जो भी वर्ड आएंगे अगर एच के साउंड आता है मिडिल में, तो आपको ये करना है कि उसके साउंड को पहले लिखना है, उसके बाद एच को रिप्रेजेंट्स करने हैं। जैसे पहला वर्ड है परहैप्स। अब परहैप्स में क्या करना है कि पी आर का हुक है और ऐसे है, अब प आ का साउंड है, यहाँ लगाएंगे एक डॉट, इसके जस्ट यहाँ लगा देंगे ताकि ये हमारा एज का इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है नेबरहुड। तो नेबरहुड में क्या करना है, नेबरहुड में एन अप ये बनाएंगे और यहाँ पे हम डी बनाएंगे, क्योंकि हमें अब ऊ का साउंड यहाँ पे आ रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर एच का डॉट लगा देंगे, जो आपको ध्यान देना है। अब इस चैप्टर के जो पॉइंट नंबर 62 है, इसमें तीन चार पॉइंट था जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें कोई डाउट या कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताएं, ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में बता सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।